वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि मैंने पेरिस में क्या क्या शॉपिंग करी है। सो इट्स गोना बी अ पेरिस शॉपिंग हॉल। तो यार मैं पागल हो गई थी पेरिस में, मैंने इतनी शॉपिंग करी है, मतलब लक के मैंने शॉपिंग करी है कि जैसे कि इंडिया में तो कुछ मिलना ही नहीं है मुझे, तो मैंने ऐसी शॉपिंग करी है। तो जो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मैं जल्दी जल्दी से ही वीडियो करूंगी, जो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है, मैं आपको पहले गुची दिखाऊं तो मैं आपको पहले गुची दिखाती हूँ। ये मैंने फर्स्ट डे पे ही ले लिया था, ये है गुची। और आजकल ऐसा बैग मिल रहा है गुची से, क्योंकि क्रिसमस चल रहा है तो इसलिए ऐसा बैग मिल रहा है, तो ये काफी सुंदर बैग है। अब इसके अंदर जो बॉक्स निकलता है वो है ग्रीन, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे इंडिया में भी बहुत अच्छा लगा था, बट इंडिया में इसका जो पुराना वर्जन है वो था ब्राउन वाला। ये मुझे लिमिटेड एडिशन फेस्टिव कलेक्शन में मिल गया, तो ये बहुत ही सुंदर है। एंड आपको तो पता ही है यार मुझे गुची कितना पसंद है, तो अब मैं जल्दी से खोल देती हूँ, आप लोग कहोगे कि भाई खोल भी दो अपना डब्बा। तो ये है, और इसके अंदर से निकलेगा ये बड़ा ही सुंदर सा बैग। मेरे बाल टूट रहे हैं। ये बैग है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैग यार, बहुत ही सुंदर बैग है ये, और ये गोल्ड है। तो आपको तो पता ही है कि यार जो भी फेस्टिव कलेक्शन होती है वो पेरिस में से पहले जाएगी, बिकॉज पेरिस इज द हब ऑफ फैशन। तो ये देखो कितना सुंदर गोल्ड में मुझे मिला है ये बैग, और ये मेरा फेवरेट है, मतलब आई रियली लव इट। आप इसको ऐसे ले लो, आप इसको मतलब हाथ में ऐसे ही पकड़ लो, एज अ क्लच कुछ भी कर लो, मतलब इसके अंदर फोन भी फिट आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा एक फेवरेट बैग है। फिर मैंने गुची से ली थी, फिर मैंने गुची से एक और बैग लिया है, वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, या फिर टी शर्ट भी मैं दिखा सकती हूँ आपको पहले। तो टी शर्ट मैं आपको दिखाती हूँ पहले, और टी शर्ट का कवर मैंने अभी उतारा था जब मैं पिछली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें ना मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो जो कवर ही ना गुची की जो भी क्लोदिंग आती है ना, वो हमेशा ऐसे आती है, ऐसे गुची के थैले में, मतलब उसके बाद वो बॉक्स में, और फिर वो ऐसे डाल के देते हैं। तो मैंने थैला आज निकाला इसका। तो ये है गुची एक्स एडिडास की टी शर्ट, बहुत सुंदर है ये, मेरी फेवरेट है ये। और ये मेरी फर्स्ट गुची की टी शर्ट है, मतलब मैंने आज तक कभी गुची का टी शर्ट नहीं लिया। फिर जो अगला बैग है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी गुची का ही है, अगेन गुची। तो ये बहुत ही सुंदर बैग है, मतलब ये तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, पर पता नहीं मैंने क्यों लिया नहीं था। तो ये है गुची का पैडलॉक बैग, ये बहुत ही सुंदर, इसे कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, इसमें है ब्लैक है, ब्राउन है, कैनवस है, तो बहुत ही अच्छा है। प्लस ये खुलता भी ऐसे है, तो ये ऐसे खुलता है, ऐसा क्लोजर है इसका, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने खरीद लिया। मैंने सोचा कि यार चलो अब खरीद ही लेती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर बैग है ये, बहुत प्यारा बैग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं बाद में इसको डालूंगी अंदर। फिर उसके बाद हम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये सब दिखाने के लिए। प्लीज आप ये मत बोलना आप शो ऑफ करो, ये करो, वो करो, आप लोग मुझे लिखते हो कि आप क्या क्या खरीदते हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना देती हूँ। तो अगली चीज जो मैंने खरीदी थी वो थी, मैं दिखाती हूँ जिमी चू से। तो जिमी चू से मैंने क्या खरीदा, ये तो जिमी चू से मैंने खरीदे थे दो बैग्स, बहुत बैग्स खरीदे यार मैंने इस बार, तो मैंने मतलब हद ही मचा दी, मैंने बहुत बैग्स खरीदे हैं। तो ये थे वो दो बैग्स, एक है ये, तो ये जो बैग है ये बहुत सुंदर है, मतलब ये तो भी मेरे आउटफिट से मैच भी हो रहा है, जब मैंने देखा बैग मैं भूल गई थी इसका कलर, तो ये बहुत ही सुंदर बैग है, मतलब लव इट। और मतलब यार इंडिया में ना ये सब चीजें बहुत महंगी है, मतलब पेरिस में आपको ये 20% कम पे मिल जाएंगी, तो इससे अच्छा आप बाहर जा रहे हो तो आप तब खरीदो, क्योंकि जब घूम भी रहे हो तो घूमते टाइम तो मजा भी आता है ना खरीदने में ये सब चीजें। तो ये है मेरा जिमी चू का पिंक बैग, मतलब पिंक तो मेरा फेवरेट कलर है, तो वही मैंने बैग भी ले लिया। ये कितना सुंदर है यार, ये तो अभी भी मेरे इस आउटफिट के साथ ही मैच कर रहा है, तो ये बहुत सुंदर बैग है, मतलब ये एक्चुअल में मेरा फेवरेट बैग है, ये बहुत सुंदर है, और ये बैग बहुत प्यारा है। तो ये मुझे पिंक कलर में बहुत पसंद आया था। फिर मुझे इसका जो बहन है इस बैग की, वो भी मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा यार कि चलो अब बाहर हूँ, अब मेरा बर्थडे भी है, मेरी एनिवर्सरी भी है, और क्रिसमस भी है, तो खरीद लेते हैं। तो मैंने एक और बैग लिया जिमी चू से, जो खुलेगा ऐसे, और ये है न्यूट्रल कलर में। न्यूट्रल में मेरे पास इतने बैग्स हैं नहीं, तो मुझे लगा कि यार न्यूट्रल कलर में बैग होना चाहिए, तो मैंने लिया, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे,
ऑफ कोर्स साइज में, क्योंकि एक बैग तो बड़ा भी होना चाहिए ना यार, कि आप कभी कहीं जा रहे हो पार्टी वार्टी पे, नहीं पार्टी पे नहीं, मतलब शॉपिंग वगैरह पे या कुछ भी यार, तो ऐसा एक बड़ा बैग भी होना चाहिए। तो ये है मेरा उससे थोड़ा सा बड़ा बैग, मतलब ये काफी अच्छा लगता है, काफी डिसेंट साइज है इसका, इसमें सब आ जाएगा। और इसमें मैं देखती हूँ मेरा फोन आएगा तो लेट्स डू दिस टेस्ट। इजिली आ गया, ये रहा मेरा फोन आ गया। और प्राइसेस मैं नहीं बताऊंगी इन बैग्स की, इसके अंदर ही प्राइस लिखी हुई है इसकी, क्योंकि मुझे लगता है यार कि मतलब प्राइसेस क्यों बतानी है, बट मैं ये कहूंगी कि सब बैग्स 1 लाख के आसपास और 1 लाख से ऊपर ही हैं। तो हाँ ये हो गया, पर इंडिया में तो ये और भी महंगे हैं, तो आप इंडिया से तो बिल्कुल ही मत लेना, इंडिया में तो बहुत महंगा है सब कुछ। तो इससे अच्छा आप वहाँ पे अपना टैक्स तो बचाते हो, वैट बचाते हो, VAT जो वहाँ का टैक्स होता है तो वो बच जाता है, ये टूरिस्ट को नहीं पे करना पड़ता है वो। तो फिर जो अगली चीज है जो मैंने खरीदी है, मैं गई थी वर्साची। वर्साची यार मुझे ना बहुत पसंद है, मतलब वो मेरा बहुत फेवरेट सा ब्रांड है। तो वर्साची से मैंने खरीदे थे 2 बैग्स, वर्साची से मैंने खरीदे थे 2 बैग्स। अगेन आप मुझे बोलोगे कमेंट्स में कि यार आप कितना पिंक लेते हो, बट ये एक और पिंक बैग है जो मैंने ले लिया, बट ठीक है यार, एक ही तो लाइफ है, जियो उस लाइफ को, और जो मन में आए वो करो, जो खरीदना है वो खरीदो। अब इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगी ऐसे, टन टा टन टा टन टा। ये बैग बहुत सुंदर है यार, ये मेरा फेवरेट बैग है, और ये इंडिया में बहुत महंगा है, मुझे वहां पे तो बहुत सस्ते में मिल गया, मुझे वहां पे 30% कम पे मिल गया वैट वगैरह हटा के। तो ओ माय गॉड गाइस, ये कितना सुंदर बैग है, मतलब ये मेरा फेवरेट है, मुझे ये बैग बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही क्यूट लगता है ये बैग, ये मेरे आउटफिट के साथ मैच कर रहा है, मेरे आउटफिट के साथ आज आई थिंक सब बैग्स मैच कर रहे हैं, मुझे खुरकी क्यों हो रही है इतनी, आज तो बाल हुए हैं। ओके तो ये ऐसे खुलता है, और इसके अंदर है एक बहुत ही स्टर्डी सी चेन, और एक स्ट्रैप भी है, ये रहा स्ट्रैप, इसमें चेन भी है। तो इसकी जब चेन लगती है ना गाइज, बहुत ही अच्छा लगता है ये बैग, मतलब सो कूल, बड़ा अच्छा बैग है यार ये, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये बैग। तो जा नहीं रहा, कहीं चला गया, ये है, अगर हम ऐसे करें तो लाइक दिस। ये बैग बहुत सुंदर है यार, मतलब बहुत ही अच्छा लुक देता है ये बैग, और ये काफी बड़ा भी है, तो इसमें बहुत स्टोरेज कैपेसिटी भी है। ट्रैवलिंग के लिए मैं इस बैग को यूज नहीं करूंगी, क्योंकि यार पता है क्या होता है, आप जब ट्रैवल करते हो ना, आपका बैग सिक्योरिटी में जाता है, आपका बैग स्कैनिंग में जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पिंक है ये, तो पिंक ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसलिए इसको ट्रैवल में नहीं यूज़ करूँगी, पर ऑफ कोर्स मैं अगर कहीं जा रही हूँ ऐसे लंच वगैरह पे, डिनर पे, तभी ये बैग यूज़ करूँगी, ये तब का ही बैग है। इसको तो सब कुछ चीज़ें जब महंगी होती है ना, आपको संभाल के भी रखनी चाहिए, तो उसमें से एक चीज़ ये है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, ये बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद मैंने एक और बैग लिया वर्साचे से ही, वो मैंने ना ज्यादा एवरीडे के लिए लिया, कि जैसे कि मॉल जाना है, शॉपिंग वॉपिंग जाना है, कभी ग्रोसरी शॉपिंग जाना है, जब खाना वाना लेने जाते हैं ना, तो कोई बैग नहीं मिलता बड़ा सा जिसमें फोन, क्रेडिट कार्ड, कैश सब आ जाए। तो मैंने ये बैग देखा, प्लस मेरे पास ऐसा कोई ब्लू बैग है भी नहीं, मतलब एक गुची का है जो पीछे दिख रहा होगा, बट वो ऐसे ना ग्रोसरी के लिए बैग नहीं है, मतलब कि कभी आपको एप्पल वैप्पल खरीदना है तो आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक वर्साचे का बैग लिया है, ये है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में, और ये सस्ता था, ये था 54,000 का, ये इतना महंगा नहीं था। तो ये मैंने लिया है वर्साचे का इलेक्ट्रिक ब्लू कलर, बहुत ही अच्छा जिप बैग है ये, देखो इसमें स्पेस भी काफी है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये परफेक्ट बैग है अगर मुझे कहीं जाना है घूमने वगैरह ग्रोसरीज के लिए, तो दिस इज द बैग फॉर इट, इसमें बहुत सामान आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं गई थी YSL, तो YSL इज सेंट लॉरेंट, तो यूज सेंट लॉरेंट, मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं, बट ये रहा उसका डब्बा। तो मैंने लिया है बहुत ही सुंदर क्लच, जो मुझे चाहिए था काफी काफी सालों से, मैं अपने आप को रोक रही थी कि यार नहीं महंगा है मत खर्च करो ये वो, बट इस बार मैंने सोचा यार मैं 26 की हो रही हूँ, अब तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि यार बस इंजॉय करना चाहिए आपको लाइफ, और मैंने सोचा कि यार चलो ले लेते हैं। तो मैंने लिया है ये प्यारा सा, ओ माय गॉड यार ये बहुत सुंदर है, मतलब ये बहुत सुंदर है यार, ये बहुत प्यारा है, ये देखो ये YSL का क्लच है, ये लिमिटेड एडिशन है, ये बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर बैग मुझे ये लगता है, इट्स वेरी प्रिटी। तो ये ऐसे खुल जाता है,
और इसके अंदर आप में सामान रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो. इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, बहुत सुंदर है ये बैग. और ये लिमिटेड एडिशन था. इंडिया में तो ये बहुत महंगा है, मतलब इंडिया में चीजें ना यार बड़ी महंगी होती हैं, क्योंकि इंडिया में ना लग्जरी गुड्स पे टैक्स बड़ा लगता है, तो इंडिया में बड़ा महंगा मिलता है सब. तो उसके साथ जो मेरी मुझे जो ये दे रही थी ये बैग, वो बड़ी क्यूट सी थी. उसने मुझे बोला कि आप इतने सुंदर हो, आपको मिरर वगैरह देखना होता होगा, तो ये है YSL का मिरर. तो उसने मुझे ये मिरर दे दिया, उसने कहा ये आपके लिए है, ये आप मिरर यूज करो और आप अपने इस बैग में इस मिरर को रखना. तो ये है वो मिरर. तो ये कार्ड होल्डर भी है और ये मिरर है. सो इट्स वेरी स्वीट यार, मतलब ऐसे ना जो लोग होते हैं वो काफी स्वीट होते हैं. तो ये मिरर मुझे मिल गया था फ्री में YSL के स्टोर से. तो इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हर कि उसने मुझे ये दे दिया. और बस तो अब अगली वाली चीज पे आते हैं, जो है अगला. मैंने क्या लिया हाँ, सबसे बड़ी चीज के लिए भी टाइम है. तो उसके बाद मैं गई थी बर्बरी से मैंने ली थी टी शर्ट्स, गिफ्ट्स अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए. तो उसके साथ मैंने अपने लिए लिया था एक बड़ा ही सुंदर सा, ये है बर्बरी का डस्ट बैग. अपने लिए कार्ड होल्डर लिया था मैंने, ये ऐसा दिखता है कुछ, बहुत ही सुंदर है. मुझे एक नया कार्ड होल्डर चाहिए भी था, क्योंकि मेरा YSL का एज मैंने भी दिखाया आपको, वो पुराना हो गया, मतलब उसको 3 साल हो गए. तो मुझे लगा कि चलो एक एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए. और एक मैंने बर्बरी का मिनी बैग लिया, सुपर मिनी बैग. वो बहुत ही क्यूट है, मतलब ये देखो, इट्स अ वेरी क्यूट बैग. आप कभी भी ऐसे मूवी वगैरह देखने जा रहे हो, आपको सिर्फ आपके कार्ड्स चाहिए, तो इट्स द इजिएस्ट बैग टू कैरी. आप सीधा इसको ऐसे ही ले सकते हो. ये रहा, इतना क्यूट है ये बैग, इतना क्यूट है, आप देखो खुद, इट्स सो क्यूट. मतलब इसके लिए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ये बैग अपने में ही इतना क्यूट है. और स्टोरेज ही बहुत है इसमें, कैश कार्ड्स, और जिप में आपके कोई बिल है, कॉइन्स है, जिप में ये सब आ जाएगा. तो मुझे काफी अच्छा लगा, ये काफी यूजफुल लगा, क्योंकि इतनी बार हम लोग मूवीज जाते हैं, हमें इतनी बड़ी चीजें नहीं चाहिए यार. हमारे साथ में ही थिएटर है, मुझे नहीं चाहिए इतना सब कुछ हमारे साथ कैरी करने को. तो बस ये ले जाओ, इट्स द इजिएस्ट थिंग टू डू. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये खरीद लिया. तो आप सोच रहे होगे भाई कितने बैग लिए हैं इन्होंने, बट मैंने काफी बैग ले लिए, गिर गया इसका. तो ये है. फिर अब मैंने क्या लिया था इसके बाद, गुची हो गया, ये भी हो गया, वर्सेचे भी हो गया, YSL भी हो गया. हाँ, अब आएगा सबसे बड़ा मेन चीज, जो मैंने सबसे बड़ी खरीदारी करी है, वो था लुई विटॉन. ये था LV का बैग. और गाइज इट्स रियली प्रिटी, और मतलब इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. तो हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि वर्सेचे वाला और ये वाला बैग कुछ सेम, हाँ गुची वाला भी जो मैंने आपको दिखाया था बड़े वाला. तो आई थिंक ये तीन बैग्स मुझे बड़े महंगे पड़े, ये तीन बैग्स ने मेरे बहुत पैसे खर्चवाए हैं, बट ठीक है यार, 26 की होने वाली हूँ मैं. तो ये है लुई विटॉन की नई क्रिसमस पैकेजिंग, ये बहुत सुंदर है. तो मैंने लिया उनका एक नया बैग, और इसमें क्रिसमस का रिबन भी आता है, वो हो रहा वहां पे गिरा हुआ है वो, कि मैंने खोल के अपने घरों में दिखाया था अपना बैग. तो ये है एलवी का बैग, और ये खुलता है कुछ, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये खुलता है कुछ ऐसे. लुई विटॉन, और बहुत ही सुंदर है ये बैग. मतलब मुझे तो बहुत पसंद है यार, मतलब जो मुझे पसंद है तो वो मेरे लिए सुंदर ही है, मेरे पैसे लग रहे हैं ना तो सुंदर ही है. तो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर है ये बैग. मतलब ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, तो मुझे लगा कि यार अभी परफेक्ट टाइम है, ले लो, फेस्टिव है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है. तो इसके साथ दो चेन्स आती हैं, ये भी ऐसी खुलता है जैसे वो गुची वाला खुलता है ना. हाँ, और इसके अंदर है एक बड़ा स्ट्रैप जो है ये, और एक है नॉर्मल चेन जो है ये है नॉर्मल चेन जो इसके साथ आती है. तो ये बैग बहुत सुंदर लगता है यार पहना हुआ, मतलब इट लुक्स रियली गुड. बहुत अच्छा बैग है ये, बहुत सुंदर है ये, और बहुत ही यूजेबल बैग भी है ये. ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छा बैग है. तो मैंने एक ये बैग लिया, ये लास्ट बैग था
एंड बस मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ. मैं बाबा जी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि बाबा जी थैंक यू, आपने मुझे इतनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं लाइफ के अंदर. थैंक यू, सबके ऊपर कृपा रखो, सबको ब्लेस करो और सब हमेशा खुश रहें. और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब और प्लीज 50K कर दो जल्दी से. और आई लव यू गाइज सो मच. बाय गाइज. हाँ, वी कैन डू इट टीचर से.